खुशामदीद नाजरीन। जलपल म्यूनसिपालिटी के वादी मुस्तफ़ा इलाके में आवाम को बुनियादी सहूलतें ना मिलने की शिकायतों पर कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब मतीन शरीफ, कांग्रेस रंगारेड्डी सेक्रेटरी जनाब सैयद ख्वाजा पाशा और दीगर ने वादी मुस्तफ़ा इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। इस दौरे के दौरान इलाके के सोशल वर्कर फरहान नसीर और उनके साथियों ने दौरा करने वाले तमाम कांग्रेस लीडर्स की गुलपोशी की और उनका शुक्रिया अदा किया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर जनाब मतीन शरीफ और सैयद ख्वाजा पाशा ने सारी तफसीलात बताई। आपने यहाँ से कोई लोग जाके मिले? यहाँ पे क्या हो रहा? सविता मैडम क्या कर रहे हैं? एमएलए महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के है, मगर नहीं महेश्वरम बोलते पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, महेश्वरम में आता मगर उन्होंने डेवलपमेंट नहीं, मीरपेट जिललगुड़ा अलमागुड़ा बालापुर कर रहे हैं, ये पूरे बेल्ट को छोड़ दिए। ये बेल्ट को सिर्फ आ रहे हैं वोट के टाइम पे 500 रुपये 1000 रुपये दे देना, वोट दला लेना, निकल के चले जाना, उसके बाद इधर फटकना नहीं। सिर्फ डेवलपमेंट जो भी है उनका बजट पूरा उधर ही यूज़ कर रहे हैं। तो अब आए टाइम जैसे आप उनको पूछो, अब क्या अगर कभी आए इधर तो पूछो आप जैसे हमारे से वोट लिए वोट लेके आए थे ना जी, इशारा दे आया था नहीं, इससे पहले तुम करते करते मोरिया करते और मोरिया करे ना कुछ करे, वोट करते वोट भी नहीं करे, बोल भैया और सब रेडी आप कौशल का है, कौशल का है, ये अफजल है, कहां है हमारा बच्चा बुड्ढा भी हो गया तो भी नहीं होता, इसलिए नहीं होता। वजह ये है कि जो आदमी आपका बच्चा स्कूल में जा रहा और एक बच्चा पैसे वाले का जा रहा, अगर उसको पास करना है उन्हें पैसे दे के आगे निकल गया तो आपके बच्चे का नुकसान नहीं होता, पढ़ने वाले का होता नहीं होता? बदलाव लाए एक बार भी बदले, एक ही पार्टी एक ही लीडर, लीडर के ऊपर लीडर का भाई बदलते जा रहा, बदले तो कोई चीज नहीं बदलती अम्मा, बदलाव बदलता रहती है। अपन भी जैसे बदलाव लाना चेंजेस लाना, एक बार किसी से धोखा हुआ तो दूसरी बार धोखा नहीं खाना, कंपटीशन पैदा करो अम्मा, आज इनको ठहराए इन काम नहीं करे तो दूसरे दिन इनको ठहराओ, अगले इलेक्शन में बदलते जाओ, बदलो तो काम होता टिकने के वास्ते। अभी कभी एक बार भी अभी बदलाव नहीं लेके आए, नहीं आप लोग एक बार बदलाव लाने के बाद में अगर काम नहीं हो रहा तो जवाब बोल सकते हैं, हर हमेशा शुरू से एक ही आदमी को रखते आप ये बात बोल रहे हैं तो आपकी बात सही है। एमएलए ने बदले कम से कम, आज महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में वादी मुस्तफ़ा में 21 वार्ड के एरिए में हमारे ख्वाजा पाशा साहब जो के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी के है, इनकी आज नुमाइंदगी पर यहाँ पर सब लोग हम लोग को इनवाइट किया गया। ये ख्वाजा पाशा साहब यहाँ के काफ़ी एक्टिव लीडर है, कई ज़माने से ये यहाँ पे तकरीबन जो काम हो कुछ रोड्स है, खम्बे लाइट ट्रांसफार्म के जो काम हुए यहाँ पे वो सारे ख्वाजा पाशा साहब की निगरानी में उनकी जस्तजू में हुए सो काम है। आज यहाँ पे इतनी बुरी हालत है पिछले 3 साल से कि हम अभी ये एरिया का पूरा दौरा करें जहाँ पे चलने के लिए जगह नहीं है, हर जगह मोहरियों का पानी भरा, खाली ये एक मोहरी का पानी बहना ये इससे ये एक प्रॉब्लम नहीं है, इससे हो रहा ये कि इसके साथ साथ यहाँ पे
कई बच्चों को बीमारियां आ रही, बीमारियों से लोग जो है सो परेशान है, कोरोना वायरस से परेशान है। ऐसे वक्त में यहां पे इतनी गंदगी कि कोई चीज़ की यहां पे सहूलत नहीं है। मिशन भगरता के हिसाब से केसीआर साहब जो वादा करे थे कि हर घर को मैं पानी दूंगा बोल के, मगर वो उनका वादा पूरा करे, ऐसा वादा करे कि हर घर को सिर्फ यहाँ पे बरसात में तालाबों का पानी घुस जाता, तालाबों का पानी घरों में दाखिल हो जाता, घर पूरे तालाब बन जाते, तालाब से हट, बरसात से हट के गर्मा में उसमें यहाँ पे कोई पानी की सहूलत नहीं है। यहाँ की एक खासियत में ये देखा कि बरसात के मौसम में यहाँ पे पूरा पानी पानी है और धूपकाले में यहाँ पे प्यासे लोग हैं। अभी हम कई लोगों से मुलाकात करे, ज़ईफ़ हज़रात है, वो लोग बता रहे थे कि यहाँ के जो नुमाइंदे काउंसलर है शेख अफजल, उनकी तरफ से कोई सर्विस नहीं है, वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, वो कोई काम में यहाँ पे, इनके इलेक्शन के बाद से उनकी कभी यहाँ पे मुलाकात ही नहीं हो रही। वो देखने के लिए उन लोग उनको रोज़ देख रहे हैं, यहाँ की आवाम चांद को देख रही, चांद दिख रहा मगर यहाँ का नुमाइंदा काउंसलर नहीं दिख रहा। तो ऐसे हालत यहाँ की बना के रखे, यहाँ पर कोई पानी की सहूलत नहीं है। अभी हम यहाँ ख्वाजा पाशा साहब यहाँ पे एक लेटर हम बनाएंगे, टाइप करेंगे कलेक्टर साहब के लिए, जिसमें हम उनसे पर्सनली बगैर, क्योंकि यहाँ के कॉर्पोरेटर्स को, काउंसलर्स को और एमएलए सविता इंद्रा रेड्डी मैडम को और यहाँ के एमपी चेवेल्डा एमपी को, किसी को यहाँ के डेवलपमेंट के, यहाँ से प्रॉब्लम के कोई दिलचस्पी लेना देना नहीं है। तो लिहाजा हम पर्सनली जीएचएमसी से या जो है सो कलेक्टर ऑफिस से हम रुजू होकर उनके पर्सनल फंड से यहाँ पर काम कराने की कोशिश करेंगे। और ख्वाजा पाशा साहब 500 सिग्नेचर्स का एक यहाँ से लेटर लेके आएंगे, यहाँ के लोगों की तकलीफ़ों का, उस लेटर को हम कलेक्टर साहब के पास पेश करेंगे। अगर उसमें काम होता है, अगर कलेक्टर साहब हमको रिस्पांस दिए तो ठीक है, वरना हम जहाँ तक हो सके हम डिपार्टमेंट का घेराव करेंगे, हम धरने देंगे और यहाँ के लोगों की परेशानी जब तक के सॉल्व नहीं करते हम इंशाल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा, कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज हम लोग जलपल्ली के मुख्तलिफ एरियों में यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे चल्ला नरसिम्हा रेड्डी डीसीसी रंगारेड्डी प्रेसिडेंट और हमारे रेवंत रेड्डी साहब मलकाजगिरी एमपी की नुमाइंदगी पे हमारे साथ मतीन शरीफ साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर, जो लॉकडाउन में मुसलसिल हर एरिया में जो राशन किट बांटे हैं और हर मुद्दे पर, या पानी का फेड़ान दो उस्मान नगर का, कहीं भी आओ आवाज़ उठाते हैं। तो आज मतीन शरीफ साहब को लाकर हम दौरा कर रहे हैं और मुख्तलिफ घरों पर जाकर बात कर रहे हैं। एरिया में दौरा हुआ ये वादी मुस्तफ़ा जलपल्ली म्यूनसिपल 21 वाट। तो यहाँ पर जो नुमाइंदा काउंसलर है शेख अफजल, उनका तो पता नहीं है, जीते जीत के बैठ गए। जब 10,000 की स्कीम आती है तो ऐसा निकले उन्होंने और उनके चमचे निकल कर खाली मुख्तलिफ चेहरे देख के पैसे दिए, और यहाँ तक के चंद्रांग गुट्टे के हल्के के लोगों को ला के भी, उनके दोस्तों को दिए। यहाँ की लेडीज़ यहाँ मदीना कॉलोनी में दिन दिन भर रात रात भर खाना खा के बैठे हुए, किसी को पहुँचा नहीं है। और आपको नुमाइंदा बनाने के बाद आवाम के दरमियान में रहना है कौंसलर, जो उनके मिसेस खवातीन हैं उन्होंने तो कभी दिखे नहीं, यहाँ वादे तो बहुत करे हैं, दो बार जीते हैं। ये जब मैडम दो बार यहाँ कांग्रेस से जीते, एक बार होम मिनिस्टर थे फिर अब जीते, जीतने के बाद यहाँ पर कई संघ बुनियाद के तख्तियाँ लगे, वो खाली देख के आखिरी में बरसात में गिर गए, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ की आवाम सिर्फ कांग्रेस पार्टी को चाहती। 2002-2001 में जब यहाँ पर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, माल रेड्डी रंगारेड्डी यहाँ के एमएलए थे, एमपी जयपाल रेड्डी थी, बहुत काम हुआ है यहाँ। जब यहाँ से जब लाइट जब आती थी तो वहाँ आईलेडिस के पास से लाइट लेते थे लोग, मगर कांग्रेस इकतदार पे थी, यहाँ के जो सरपंच थे रामलू कट्टला 25 साल करे हैं कांग्रेस में, उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिए। मगर आप मतीन भाई जैसा कि आज आप मतीन शरीफ जी दौरा करें तो पब्लिक आपसे रुझू होगी, तो क्या कंप्लेंट से सबसे ज़्यादा और आप उनको क्या दिलासा दिए? हम उनको पहले मिशन भागीदार का जो झूठा जो वादा करे थे 1 रुपया स्कीम बोल के, आज यहाँ पे नल नहीं खुल रहा, और 100 गज के घर को लेने के लिए 12,000 से 15,000 रुपये पहले ऑनलाइन कराना, और उसके बाद मी सेवा में आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना, उसके बाद उनका मैनेजर आके 1 महीना 15 दिन के बाद चकरा मारना। और यहाँ के काउंसलर सो रहे हैं, कई लोग आके हमारे शिकायत कर रहे हैं, और मैं यहाँ आते रहता हूँ, आवाम के दरबार में रहता हूँ, ये आवाम को मालूम है यहाँ डेवलपिंग कौन करे।
आज मतीन भाई की नुमाइंदगी पे और मतीन भाई यहाँ पे काम करेंगे इंशाल्लाह। और भी सीनियर रहेंगे यहाँ पे, कांग्रेस जो पुराना झंडा था फिर से दौड़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हम कांग्रेस को सपोर्ट करके जीते थे। इनो जो टीआरएस में गए, इनो इनके बच्चे जाने के बाद पूरे उधर के हो गए, और इनो जो माइनॉरिटी के साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं, जिल्लालगुड़ा, श्रीराम कॉलोनी, जलपल्ली, लीली नगर, यहाँ पे पूरे डेवलपिंग के काम कर रहे हैं, और यहाँ का बजट जो है पूरा वहाँ लगा रहे हैं। नादी होटल के पास मुसलसिल चार पांच वीडियो डाला मैं, लोग आज गिर जा रहे, चल रहे। मैं डेनिश के वास्ते भी वहाँ पे कई खुद करा हूँ, मगर कोई पुरुषाल नहीं है। मजबूरन हम अपोजिशन होने के बाद से आवाज़ उठाना पड़ा, और यहाँ के जो काउंसलर है सिर्फ ज़मीनों में, मामलेदारी में, इसमें ये काम कर रहे हैं। जैसा कि आज आप आवाज़ उठाए, तो कितने दिन में आवाम को राहत मिली? जल्द से जल्द हमारा काम है आवाम के। शरीफ साहब अभी बोले कि इन्हों लेटर हेड दे। जरूर हम तो कल वो लेटर हेड लेके आपका कैसा वर्कआउट करेंगे? हम जो है कल संडे है, मंडे के दिन लेटर लेंगे, हुआ तो हम लकड़िया पुल जो वाटर वर्क्स ऑफिस है वहाँ पे धरना भी देंगे हमारे सीनियर के साथ। और यहाँ पे जो FTL की ज़मीन है जलपल्ली में, वहाँ पर भी सब काम हो रहे, मैडम को इलम में है, उनके काउंसलरों को है, पूरों को है, मगर इंशाल्लाह हम हक में जाने आवाज़ उठाएंगे, उठा के कैफरे दरगाह तक पहुँचेंगे। और पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती, पुलिस भी अपना काम करना चाहिए और लाइन ग्राबर को अंदर करना चाहिए। हाल ही दिन में आप लोग अभी सर्वे कर रहे थे, हमें सुनने में आया कि इलेक्शन खरीफ है, असली लीडर्स आए, तो इलेक्शन से पहले स्टार्ट होता कैंपेनिंग, फिर इलेक्शन के बाद सब वादे भूल जाते। अभी तो आप नहीं है यहाँ, आपकी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी आ गई बात, आपका क्या कैसा रिस्पॉन्स? पहले सुनिए आप, जब लॉकडाउन हुआ था कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी एक्स MP और मैं उज्मा शाकिर और हमारी टीम आके यहाँ राशन किट बांटी थी 600। यहाँ पर TRS के कुछ लोग मिलके गड़बड़ी करे, उसके बाद हम पुलिस को बोले, वो गरीब लोगों के मुंह में मट्टी डाल दिए, ना खुद करते ना दूसरों को करने देते। कौन यहाँ के काउंसलर, इंशाल्लाह हम केसेस भी बुक करे थे उसके ऊपर, पाली शरीफ में केस है उसके ऊपर। अभी तो हम लोग चार पांच लोग हैं, अगर जब कांग्रेस पूरी आएंगी पंजा तो फिर अच्छा अच्छा होगा, हवा तोड़ देंगी। और मैडम जो है माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, दोबारा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, खाली कान पे जू नहीं रेंग रही। और इंशाल्लाह कांग्रेस जब तक थी माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी करी, ना कारोबार में कुछ हुआ, ना तो कुछ नहीं हुई, आवाम को यहाँ मालूम है। दो बार मैडम कांग्रेस से जीते, जीत के इसमें चले गए, TRS गवर्नमेंट हमेशा के लिए फेल हो गई। दोबारा हम इनको किफ्रगर्दा तक पहुँचा के इनकी हुकूमत भी चले देंगी। अब जलपल्ली में जो FTL की ज़मीन है वहाँ पर सब लोग मिले हुए, नामा क्या बोलना, क्या एरिया MLA को नहीं मालूम, पुलिस को नहीं मालूम, काउंसलर को नहीं मालूम, दे दिए सो जा रहे। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे हम, जो सकाम करेंगे हमारे सीनियर के साथ मिलके। अस्सलामुअलैकुम। आपका अपना इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर अब SMP टावर सेकंड फ्लोर ओल्ड कृष्णा टाकीज गुलजार हाउस पर मौजूद है। ये पुराने शहर का सबसे बड़ा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर और 199 कस्टम स्टोर है, जहां पर आपको 900 से ज्यादा वैरायटीज के आइटम्स मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको इजी एक्सप्रेस का इजी डिस्काउंट कार्ड इस्तेमाल करने पर खरीदारी पर 5-30% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप हमारे स्टोर के कस्टमर जनाब मोहम्मद गौस की तरह 1000 रुपये की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में 50,000 रुपये का इनाम भी जीत सकते हैं। सोचना क्या है, आज इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर और 199 कस्टम स्टोर, SMP टावर शॉपिंग मॉल, ओल्ड कृष्णा टाकीज गुलजार हाउस तशरीफ लाएं।